हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय एकेडमी। इस वीडियो में हम वेटेड रजिस्टर टाइप डीएसी को डिस्कस कर रहे हैं। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर टू टाइप के होते हैं, एक वेटेड रजिस्टर डीएसी और आर टू आर लैडर। तो हम आर टू आर लैडर को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे और इस लेक्चर में वेटेड रजिस्टर डीएसी को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके सर्किट डायग्राम को देखेंगे, उसके बाद इसके आउटपुट इक्वेशन को देखेंगे, यानी कि जो वोल्टेज फाइनल आउटपुट आपका आता है उसको, और उस पर हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, प्रीवियस ईयर का आईईएस में पूछा हुआ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम कंसीडर कर लेते हैं, हम इसको इसके सर्किट को हम 3 बिट वेटेड रजिस्टर डीएससी को हम कंसीडर कर सकते हैं या 4 बिट। तो मैं बता दूं आपको कि मैं 4 बिट कंसीडर कर रहा हूं, यानी 4 बिट वेटेड टाइप वेटेड रजिस्टर डीएससी। सबसे पहले आप इसका डायग्राम देख लीजिए, ये आपके 4 बिट वेटेड रजिस्टर टाइप डीएससी है। इसमें 4 बिट इसलिए हमने कहा है कि इसमें देखिए आपके जो आपके डिजिटल इनपुट दिए होते हैं और आपको आउटपुट में एनालॉग आउटपुट आपको चाहिए होता है, तो आपके पास यहाँ पे 4 बिट आपको डिजिटली यानी बाइनरी फॉर्म में दिया रहेगा। ये आपका होगा B3, यहाँ ये होगा B2, और ये होगा B1, और ये होगा B0। और देखिए ये होगा आपका MSB, जो R है ये MSB साइड है। और इसको पहचानने का तरीका ये है कि जहाँ भी जिस साइड आपका रेफरेंस वोल्टेज यानी VR आपका जो है ये रेफरेंस वोल्टेज है, जिस साइड आपका रेफरेंस वोल्टेज होगा उसी साइड आपका MSB होगा। अगर रेफरेंस वोल्टेज यहाँ पे होता तो MSB यहाँ पे हो जाता। और ये हो गया आपका LSB। यहाँ पे देखिए आपके यहाँ पे वर्चुअल ग्राउंडेड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, आपने ऑपरेशनल एम्पलीफायर का लेक्चर देखा होगा तो वहाँ पे मैंने आपको बताया हुआ है, उसके यहाँ पे शॉर्ट ग्राउंडेड सर्किट है। तो वर्चुअल ग्राउंड ऑपरेशनल एम्पलीफायर में ये कॉन्सेप्ट होती है, वर्चुअल शॉर्ट सर्किट के और वर्चुअल ग्राउंड सर्किट के कॉन्सेप्ट। तो यहाँ वर्चुअल ग्राउंड सर्किट के कॉन्सेप्ट के अनुसार यहाँ पे इसका पोटेंशियल आपका यहाँ पे होगा 0 वोल्ट, और यहाँ पे आपका वी आउटपुट जो मिलेगा, यहाँ से आपका जो फॉरवर्ड करंट आएगा IF वो और इनटू RF यानी माइनस RF IF, ये हो गया आपका वी आउटपुट। और आपके IF जो होगा टोटल, आपके जो ये आपका IF है यहाँ से जा रहा है, यानी कि ये टोटल करंट जितना भी इधर से आएगा आपका कॉरस्पॉन्डिंग V0 V1 V2 V3 से रेफरेंस वोल्टेज यहाँ पे आपका दिया हुआ है, पूरे रेजिस्टेंस आपको पता है, तो यहाँ पे आपका वोल्टेज यहाँ का और यहाँ का सभी जगह का फाइंड आउट कर सकते हैं। और करंट देखिए इसमें हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा I3, ये हो गया I2, ये हो गया I1, और ये हो जाएगा I0। I0 करंट V0 के करस्पॉन्डिंग होगा, V1 के करस्पॉन्डिंग I1 करंट होगा, V2 के करस्पॉन्डिंग I2 करंट होगा, V3 के करस्पॉन्डिंग I3 करंट होगा। तो अब हमें फाइनल जो आपका IF होगा यानी करंट वो होगा क्या, यहाँ पे देखिए सभी करंट तो आ रहा है और यहाँ पे सीरीज में यहाँ पे IF हो जा रहा है, तो यहाँ पे सभी ऐड हो जाएगा, यानी I1 यानी I0 I1 प्लस I2 प्लस I3। और ये करंट कैसे फाइंड आउट, यहाँ पे देखिए अब आपके करंट जो होंगे ये सीरीज, ये सभी करंट पैरेलल में है और ये जाके एक बार सीरीज में जाएंगे तो ये सभी ऐड हो जाएंगे, ठीक। उसके बाद इसमें आपका सभी करंट इंडिविजुअली आपको फाइंड आउट करना होगा। जैसे आपको सबसे पहले चलिए I3 हम फाइंड आउट करते हैं, I3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये I3 करंट है, ये V0 है, अगर V0 सपोज कीजिए 0 हो जाएगा, यानी कि बाइनरी नंबर सिस्टम में वो बिट 0 हो जाएगा, तो वहाँ पे इसलिए हम V0 को भी आउटपुट में कंसीडर करेंगे, यानी कि V रेफरेंस बाई रजिस्टेंस R इंटू V3, यानी I3 जो होगा आपका V रेफरेंस वोल्टेज बाई टोटल रजिस्टेंस R, इस सर्किट के जो आपका ये I3 है R के करस्पॉन्डिंग, R रेजिस्टेंस के करस्पॉन्डिंग है, तो आपको पता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग के V=IR होता है, यानी I=V/R होता है, यहाँ का पोटेंशियल 0 है, तो आप यहाँ पे VR-0/R कर सकते हैं। ये सब नेटवर्क में मैंने पढ़ाया हुआ है, आप देख लीजिए करंट कैसे आउटपुट जो I3 जैसे हो जाएगा, यहाँ पे I3 क्या हो जाएगा VR और करस्पॉन्डिंग जो होगा आपका ये यहाँ का पोटेंशियल यानी -0 बाई टोटल रेजिस्टेंस, तो VR बाई रेजिस्टेंस हो जाएगा। इसी तरह ये I2 भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कि VR यहाँ पे सभी जगह VR रेफरेंस है ये,
तो यहाँ सभी जगह वी आर रेफरेंस वोल्टेज ही है, तो यहाँ से वी आर माइनस जीरो बाई टू आर और इसके साथ बी थ्री, ये हो गया आपका आई थ्री। उसी तरह आप आई टू भी फाइंड आउट कर सकते हैं, आई टू इक्वल टू जाएगा वी आर बाई उसके करस्पॉन्डिंग टू आर रेजिस्टेंस है, तो टू आर रेजिस्टेंस इंटू बी टू, ये बी टू। और आई वन हमें अगर फाइंड आउट करना है तो वी आर उसके करस्पॉन्डिंग आपका फोर आर रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे फोर आर रेजिस्टेंस इंटू बी वन। और देखिए ये थोड़ा सा इसका इम्प्लीमेंट मैं डायरेक्ट फार्मूला भी लिख सकता था और आपको क्वेश्चन करा देता तो आप सोल्व कर देते, लेकिन आपको ये समझने के लिए कि आखिर अप्रोच करना है कि कैसे हमें अप्रोच करना है चीज़ों को, कि अगर ये एक रेजिस्टेंस ना देकर टू रेजिस्टेंस दे दिया और कुछ सर्किट में अगर गड़बड़ कर दिया एग्जाम में, गड़बड़ क्या मतलब कि कुछ और ऐड कर दिया या कुछ कर दिया, तो आपको एक बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए कि हम कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, तो ये ईजी हो जाता है एग्जाम के लिए। आई नॉट फाइंड आउट करना है तो वी आर बाई यहाँ पे एट आर रेजिस्टेंस है, एट आर इंटू बी नॉट। अब ये सभी करंट को यहाँ पे आई नॉट आई वन आई टू आई थ्री सभी पुट कर दीजिए तो आपका फाइनल आई एफ निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अगर आपको बाइनरी में मान लीजिए जीरो वन जीरो वन दिया रहेगा, तो मान लीजिए ये एम एस बी बीट है, एल एस बी है, तो ये हो जाएगा आपका एम एस बी यानी बी थ्री, ये हो जाएगा बी टू, ये हो जाएगा बी वन, ये हो जाएगा आपका बी नॉट, ये हो जाएगा बी वन। तो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग आपको बी थ्री की जगह जीरो पुट कर दीजिएगा तो ये वैल्यू आई थ्री जीरो हो जाएगा। तो हम वो क्वेश्चन जब सोल्व करेंगे तो वहाँ पे आपको और क्लियर हो जाएगी चीज़ें। उसके बाद ये आपको करंट फाइंड आउट करने आ गया। दूसरी चीज़ यहाँ पे एक और फार्मूला है जो कि इम्पोर्टेंट है, एल एस बी रजिस्टेंस जो होता है, एल एस बी रजिस्टेंस ये हमेशा इक्वल होता है टू के पावर एन माइनस वन इंटू एम एस बी रजिस्टेंस के। ये आपको पता है ना लीस्ट, जैसे ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट और लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, जैसे क्या होता है अगर बाइनरी में आपको 0101 ऐसे दिया रहे, ये कोई बाइनरी नंबर सिस्टम है, तो जो आपका ये होता है ये लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होता है, इसे एल एस बी कहते हैं और इसे मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहते हैं, एम एस बी कहते हैं। तो वहीं एल एस बी और एम एस बी यहाँ पे, यानी एम एस बी और एल एस बी यहाँ पे डिफाइन किया गया है। तो ये आपका फॉर्मूला याद रखिएगा, क्योंकि ये अगर आपको पता रहेगा तो कोई भी अगर सर्किट देखिएगा तो आर टू आर लैडर जब पढ़िएगा तो उसमें देखेंगे कि आप सभी रेजिस्टेंस टू आर का ही है और एक आर का, मतलब एक रेजिस्टेंस आर है और दूसरा टू आर है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें प्रत्येक जैसे नंबर ऑफ बीट बढ़ते जाएंगे, अगर यहाँ पे फोर बीट ना लेके हम सिक्स बीट ले लेते तो ये हो जाता बी फाइव बी फोर बी थ्री बी टू बी वन, उसी करस्पॉन्डिंग आर टू आर फोर आर एट आर, और इसके बाद देख लीजिए मतलब कि ट्वाइस होते जा रहा है तो यहाँ 16R हो जाता है, उसके बाद 32R हो जाता है, तो ऐसे इंक्रीज करते जाता। तो वो सब हम 4 बिट पे इंप्लीमेंट कर रहे हैं क्योंकि 4 बिट पे ही क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। ठीक, उसके बाद इसमें हम वेटेड टाइप रजिस्टर को क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले मैं आपसे एक बार और इसमें एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हम वेटेड रजिस्टर टाइप का एक डिसएडवांटेज यही है कि इसमें जो ए आर है, ये देखिए इसमें बहुत ज़्यादा आर का रिक्वायरमेंट है, यानी यहाँ आर है, यहाँ टू आर है, यहाँ फोर आर है, यहाँ एट आर है, उसके बाद 16R होगा, 32R होगा। तो इसमें क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस की वजह से इसमें इसकी एक्यूरेसी जो है वो इफेक्टेड होती है, यानी एक्यूरेसी इसकी लेस होती है, यही इसका डिसएडवांटेज है। इसीलिए हम आर और टू आर लैडर का यूज करते हैं। तो ये एक पॉइंट है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, इसका डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज ऑफ वेटेड रजिस्टर डीएसी यानी डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, एक्यूरेसी इज लेस ड्यू टू यूज ऑफ डिफरेंट रजिस्टर। मैंने अभी आपको बताया था आर टू आर फोर आर एट आर सिक्सटीन आर थर्टी टू आर, मतलब नंबर ऑफ बिट बढ़ते जाएंगे, आपके रजिस्टेंस वेरी करते जाएगा, डिफरेंट रजिस्टेंस आपका यूज करना पड़ेगा टू ओवरकम, इस ड्रॉबैक को ओवरकम करता है आर टू आर लैडर डीएसी। इसीलिए हम आर टू आर लैडर को यूज करते हैं, यानी ओवरकम इज आर टू आर लैडर डीएसी इज यूज। तो इस लेक्चर हम नेक्स्ट लेक्चर में आर टू आर लैडर को डिस्कस कर लेंगे और उस पर ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, आर टू आर लैडर से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं कंपेयर टू वेटेड टाइप डीएसी से। तो चलिए इस पर हम क्वेश्चन देखते हैं, आपको कंसेप्ट क्लियर और हो जाएगा, क्वेश्चन से ज्यादा कंसेप्ट क्लियर होता है। इस क्वेश्चन में देखिए पूछा गया है आपका, ये आईएएस का क्वेश्चन है, ये टोटल 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है, टू पार्ट है इसमें। पहले क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, अ 3 बिट वेटेड रजिस्टर DSDA यानी डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर विथ MSB रजिस्टर इज 10 R इक्वल टू 10 किलो ओम
Having input bit stream B3 B2 B1 equal to 101 is so in a figure, ये आपका डायग्राम दिया हुआ है, फिगर है, और आपको देखिए यहाँ V रेफरेंस आपको 5 वोल्ट दिया हुआ है और RF 5 किलो ओम दिया हुआ है, आपका टोटल करंट I है और B1 करस्पॉन्डिंग आपके I1 करंट है, यहाँ पे I2 करंट है और I3 है, सभी ये भी आउटपुट यहाँ पे B1 B2 और B3 को आपको यहाँ पे दिया गया है। और आपसे फर्स्ट पार्ट में ये पूछा गया है कि टोटल इनपुट करंट आई इन द सर्किट विल बी, यानी ये आपका जो आई है करंट ये क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो मैंने अभी आपको बताया था आई इक्वल टू हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3, ये I1 यहाँ पे जाके ऐड हो जाएगा, I2 और I3 तीनों करंट आपके सीरीज में जाएगा और ये आई के इक्वल हो जाएंगे, जो कि अभी मैंने आपको 4 बिट वेटर रजिस्टर बताया था तो उसमें इसलिए आई नॉट आई टू आई वन आई टू आई थ्री था, बट इसमें 3 बिट वेटर रजिस्टर है इसलिए इसमें 3 इनपुट आपका डिजिटल दिया हुआ है, यानी बाइनरी 3 बिट नंबर दिए हुए हैं। और यहाँ पे भी रेफरेंस मैंने बताया था, जिधर भी रेफरेंस होता है उधर आपको MSB, अगर यहाँ पे अगर MSB यहाँ पे तो चलिए दे दिया है MSB, यानी B3 B2 B1 इक्वल टू 101 दे दिया है, सिर्फ आपको बाइनरी नंबर दिया रहता तो आप कैसे पहचानते कि इसमें मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कौन सा है, किधर रखें, 101 रखें या 113 रहता या 100 रहता, तो इधर तो 100 रखें, तो आपको याद होना चाहिए मैंने अभी आपको बताया था भी रेफरेंस की तरफ MSB ले लेते हैं। तो यहाँ पे हो गया MSB, यानी कि ये हो गया आपका टोटल MSB और ये हो जाएगा आपका LSB। और रेजिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पे देखिए MSB रेजिस्टेंस इज R इक्वल टू 2 किलो ओम, तो MSB रेजिस्टेंस जो है आपका, सॉरी 10 किलो ओम, तो ये है आपका 10 किलो ओम रेजिस्टेंस। और मैं आपको बताया था कि जो आपका रेजिस्टेंस होता है वो फॉर्मूला बताया था LSB रेजिस्टेंस इक्वल टू 2n-1 इनटू MSB रेजिस्टेंस, तो LSB रेजिस्टेंस R होता है, तो उसके बाद 2R, उसके बाद 4R, तो यहाँ पे 2R यानी 20 किलो ओम हो जाएगा और यहाँ पे 40 किलो ओम हो जाएगा, तो अपने आप ये अंडरस्टूड है। तो टोटल I इक्वल टू हो जाएगा I1, तो I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा टोटल, मतलब कि जो आपका V रेफरेंस वोल्टेज है V रेफरेंस इंटू B1 बाई 40 किलो ओम, तो ये मैंने आपको बताया था I1 इक्वल टू V रेफरेंस बाई रेजिस्टेंस, यानी कि जो भी रेजिस्टेंस है, यानी कि यहाँ पे जो भी रेजिस्टेंस है R इंटू, उसमें हमने 2R 4R ऐसे लिया था, तो यहाँ पे हो जाएगा 4R, यानी कि 4R, तो 4R का 40 वैल्यू है 40 किलो ओम, तो यहाँ पे 40 किलो ओम डायरेक्ट पुट कर देंगे इंटू B1, तो ऐसे था। तो यहाँ पे आप I इक्वल टू I1 की जगह रख लीजिए, V रेफरेंस आपका 5 वोल्ट है और टोटल रेजिस्टेंस 40 किलो ओम है, और B1 का जो वैल्यू है देखिए यहाँ पे B1 ये हो जाएगा आपका B1, ये हो जाएगा आपका B2 और ये हो जाएगा B3, यहाँ पे देखिए आपको उसी सीरियल में दिया हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस B2, देखिए B2 सॉरी I2 इक्वल टू हो जाएगा V रेफरेंस हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 20 किलो ओम, बट इसको फाइंड आउट करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि B1 जो आपका B2 जो है वो 0 है, तो यहाँ मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 0, तो टोटल फाइनल हो जाएगा 0। थर्ड में आपका I3 हो जाएगा V रेफरेंस 5 वोल्ट बाई ये हो जाएगा आपका 10 किलो ओम इंटू बी ये है आपका B3, तो B3 इज इक्वल टू 1 बीट है, 1 है तो यानी 1 हो जाएगा। तो टोटल करेंट जो आपसे पूछा गया है फर्स्ट पार्ट में वो हो जाएगा आपका 5 × 40 किलो ओम, इसे कॉमन ले लीजिए आप दोनों में, 1/40 किलो ओम कॉमन ले लीजिए, 5 एंड प्लस ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 10 यहाँ पे 10 कट जाएगा, यानी 1/4 किलो वाट, यानी कि ये हो जाएगा आपका 0., यहाँ पे देखिए 40 कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ 40 के पास यहाँ पे 10 है, ठीक, तो यहाँ पे इस कैलकुलेशन को यहाँ पे करेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे आप इसे डिवाइड कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका, तो यहाँ से 5/40 कीजिएगा तो ये हो जाएगा 0.125 और किलो को ऊपर जाएगा तो ये मिली हो जाएगा, प्लस ये 5/10 है यानी 0.5 मिली एम्पियर, करंट का यूनिट एम्पियर होता है, तो टोटल करंट हो जाएगा आपका, इसको ऐड कर लीजिएगा तो 0.625 एम्पियर, ये आपका आंसर होगा। हालांकि देखिए ये तो ये आपका यहाँ से 30 सेकंड का क्वेश्चन है, बेसिकली ये ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, लेकिन समझा रहा हूँ तो मैं थोड़ा सा स्लो में समझा रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए कि कैसे कैसे हम यहाँ पे कर रहे हैं चीज़ों को। देखिए नेक्स्ट पार्ट में, यानी बी पार्ट इसका है, टोटल 10 मार्क्स का क्वेश्चन थे तो इसमें 2 पार्ट थे, तो इसमें तो आपके ए पार्ट में एक आपका करंट पूछा गया था, बट बी पार्ट में आपसे पूछा गया था व्हाट इज द एनालॉग आउटपुट वोल्टेज बाय द DAC,
इसमें आपसे सीधे पूछा गया था कि व्हाट इज द एनालॉग आउटपुट वोल्टेज बाय दिस डीएसी, तो मैंने आपको भी आउटपुट इसका जो आपका ये डायग्राम देख के आप समझ सकते हैं, और ऊपर भी आपके यहाँ पे वेटेड रजिस्टर टाइप मेंशन कर चुका है क्वेश्चन में। अगर नहीं किया रहता तभी आप डायग्राम देख के इसे पता कर लेते कि ये वेटेड टाइप रजिस्टर है। अगर अगर डायग्राम नहीं दिया रहता, अगर ये नहीं लिखा रहता, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको गिवन रहती, जिसे आप पता कर लेते कि ये ट्वाइस हो रहा है रेजिस्टेंस, ये वेटेड टाइप है। ठीक, तो भी आउटपुट इक्वल टू आपको पता है माइनस आर एफ इंटू आई एफ। तो अभी अभी हमने आई एफ निकाला था 0.625 मिली एम्पियर, इसे मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। देखिए आर एफ इक्वल टू यहाँ पे दिया हुआ है 5 किलो ओम, तो यहाँ पे आपका ये माइनस साइन के साथ होता है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे हो जाता है माइनस आर एफ इंटू आई एफ। तो ये आपका मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, और मल्टीप्लीकेशन करने के बाद आएगा ये माइनस 3.125 वोल्ट। यही आपका ये ऑप्शन चार थे, तो ये ऑप्शन इसमें करेक्ट है, तो ये आपका इतना वोल्ट हो जाएगा। ये देखिए किलोवाट जो है यहाँ पे मिलीवाट, मिलीवाट का मतलब होता है 10^-3, किलोवाट का मतलब होता है 10^+3। ये माइनस थ्री और प्लस थ्री जब मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा तो ये वन हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ मिली और किली एक दूसरे का कैंसिल आउट कर देंगे, सिर्फ फाइव से यहाँ मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 0.625 में, और इतना वोल्ट आपका हो जाएगा। तो ये था आपके वेटेड टाइप रजिस्टर। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें फीडबैक में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए वीडियो पे, और वीडियो को जरूर शेयर कीजिए आप सोशल मीडिया पे, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि हम आपके लिए डेली बेसिस पर वीडियो लाते रहते हैं। हालांकि कभी कभी ब्रेक हो जाता है एक दिन या कभी, तो मायने नहीं रखता, लेकिन हम डेली बेसिस पर कोशिश करेंगे आपके लिए वीडियो लाते रहें, और भी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और दूसरे भी गेट और आईएसपीएससी में जो भी सब्जेक्ट हैं उस पर हम वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you for watching and please subscribe to our channel.